साबित करती है, वो तो डिफरेंस है ही। लेकिन इसके अलावा साइंटिस्ट ने जब ब्रेन्स को ऑब्जर्व किया, और जब ब्रेन्स को ऑब्जर्व किया, देखा कि एक मर्द चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे यूरोपियन हो, सबका ब्रेन सेम ही दिखता है। लेकिन जब मर्दों का ब्रेन किसी मर्द के ब्रेन को लेकर किसी औरत के ब्रेन से कंपेयर किया जाए, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, अगर स्लाइस देखी जाए दोनों की, तो दोनों का ब्रेन डिफरेंट है। मर्दों का ब्रेन अलग है, औरतों का ब्रेन अलग है। जैसे कहावत है ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो ये जो कहावत है, फैक्ट ये है कि दोनों का दिमाग अलग होता है। अलग होने में साइज के एतबार से तो मर्दों का ब्रेन बड़ा होता ही है, ये एक बात हुई, लेकिन उसकी कैपेसिटी के एतबार से, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर ऊपर वाले ने बनाया है, उस एतबार से भी दोनों ब्रेन डिफरेंट है। जैसे ग्रे मैटर कहा जाता है, अगर कोई शख्स सिर्फ गूगल कर ले ग्रे मैटर, वाइट मैटर, मैन एंड वुमेन, तो आपको इसकी कई सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स मिल जाएगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मर्दों के पास जो ग्रे मैटर है ब्रेन का, जिसे आम जुबान में ग्रे मैटर कहा जाता है, औरतों से 6.5 टाइम्स ज्यादा है। और वाइट मैटर जो कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिविटी के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो औरतों के पास 9 to 10 टाइम्स मर्दों से ज्यादा है। इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह से भी थी कि हार्ड वायर्ड, जो औरतों का दिमाग दोनों साइड्स बहुत ही स्ट्रांगली वेल कनेक्टेड है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर है, दोनों के दोनों साइड्स है ब्रेन की, वो पूरी तरह से वेल कनेक्टेड है, वेल इंटरनेट। मर्दों का ऐसा होता है, एक हेमिस्फीयर के अंदर अंदर जो कनेक्शन है अच्छा है, लेकिन इंट्रा हेमिस्फीयर कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। अब हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्पीच की बात है, तो मर्द जो बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से बात कर रहे हैं, और वो लेफ्ट साइड पर अगर किसी को स्ट्रोक लग जाए, स्ट्रोक आ जाए, तो उसकी स्पीच चली जाएगी। लेकिन वही सेम स्ट्रोक अगर किसी औरत को आ जाए और उसका ब्रेन का एक साइड अफेक्ट हुआ है, दूसरा साइड नहीं अफेक्ट हुआ है, वो फिर भी बात करती रहेगी। मतलब ये एक चीज है जो ऊपर वाले ने इस तरह से बनाया है, क्योंकि उनका ब्रेन वेल कनेक्टेड है, जज्बात और इमोशन से वो बहुत ही वेल कनेक्टेड रहती है। और ये भी एक बहुत जरूरी चीज, अगर ये चीज नहीं होती तो औरतों के लिए बच्चों के जज्बात को समझना इतना आसान नहीं होता, वो बच्चों के जज्बात को समझ पाती। अगर मान लीजिए औरतों का भी ब्रेन मर्दों की तरह ही होता, तो आप देखिए कि वो बच्चा जो जज्बात होता है, बच्चे के जज्बात को समझना, फीलिंग्स को समझना, उसके लिए केयर करना, उसके लिए दिल में इमोशंस होना, ये एक माँ जैसे समझ सकती, वैसे बाप नहीं समझ सकता। और अगर सब बाप की तरह ही होते हैं, अगर माँ के पास भी दिमाग जो होता वो बाप की तरह ही होता, तो शायद इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन हम ये भी बात बोल सकते हैं कि इंसानी नस्ल कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम्स हो सकते थे, क्योंकि अगर औरतों में वो जज्बात नहीं होते, जैसे लोग बोलते हैं ना कई बार, अरे औरतें ऐसी क्यों होती है, ऐसी क्यों होती, वो कहते हैं अरे अगर ऐसी नहीं होती वो, तो बच्चों के जज्बात को कौन समझता। बच्चों के जज्बात को समझना अगर इतना पॉसिबल नहीं होता, तो जरा इमेजिन करिए कि बाप कितना समझ पाता है, बच्चा रो रहा है रो रहा है रो रहा है, माँ जैसे फील करके उसको संभालेगी, ऐसे बाप तो नहीं संभाल पाता है। तो वो जज्बात की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये दो अलग अलग स्टेट्स हैं।